सर। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी विल टेक द रिवीजन ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर एंड यू हैव टू नाउ फोकस ऑन द एमसीक्यूज क्वेश्चन ऑफ योर बुक। सो फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स and all the optional question, you have to tick down the answers. One is the correct answer in between them. So you have to, I am taking some of the question relate to chapter number one. Today we will solve all the MCQs of chapter number one. You open your page number 23 and here the multiple choice are given. Question number 4 to 19 are your MCQs questions. The first one is, if the integers, first you note down, first I am note down the question on the blackboard and you see, if the integers, ध्यान से सुनो सब बच्चे, if the integer 10, minus 7, 5, 3 and minus 4, and 0 are marked on the number line, agar main in sare points ko number line par mark karti hu, marked on the number line, then the integer dhyan se dekhna question kya hai, then the integer which lies on the extreme left, क्या मतलब है इसका अभी बताती हूं आपको, which lies on the extreme left is, first option is given here 10, the second option is given here 0 and the third option is given here minus 7 and the D option is given here minus 4 and you have to set the answers, आपका which option जो है वो correct है, आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है। ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की, नंबर लाइन पर इंटीजर कैसे ड्रॉ होते हैं, ये आपका ओरिजिन है, ओ इज द ओरिजिन और ओ के राइट हैंड साइड पर सारे पॉइंट्स कौन से होंगे, राइट साइड पर सारे कौन से साइन शो करोगे पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड पर सारे कौन से साइन शो करोगे नेगेटिव साइन। इंटीजर्स क्या होते हैं, व्हेन द ऑल द नेगेटिव इंटीजर एंड द पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग विद जीरो। तो अगर आपका इंटीजर हमेशा नंबर लाइन पर कैसे शो होता है, अगर यहाँ पर आपको विजिबल नहीं है तो मैं ये फिगर यहाँ पर यू सी हेयर, ये जीरो सेंटर में लेना है और लेफ्ट हैंड साइड पर आपके सारे नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 तक मैंने लिख दिया है और राइट हैंड साइड पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहां मैंने पॉजिटिव लिखे हैं सारे। तो पहले नंबर देखो कौन कौन से ड्रॉ करने थे, एक तो +10, ये आपका +10 है, फिर है आपका -7, ये है आपका -7, नेक्स्ट वन इज +5, ये आपका है +5, नाउ ये आपका है +3, दिस इज योर +3 एंड दिस इज -4 एंड आई विल ड्रॉ हियर -4 एंड नेक्स्ट वन इज 0। तो आपको क्या बताना है स्टूडेंट, 0 के Which lies on the, कौन सा ऐसा इंटीजर है जो जीरो के एक्सट्रीम लेफ्ट में है। तो आपको ये बताना है कि जीरो के एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन सा नंबर है। तो यहाँ पर -7 जो है वो बिल्कुल एक्सट्रीम में लास्ट में लेफ्ट में पड़ता है, कौन सा नंबर है आपका -7। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, तो यहाँ पर आप सी पर टिक लगाएंगे, your option C in this question is correct. Okay, now I will write down the fifth question of MCQs.
एंड नाउ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम यू हैव टू फोकस ऑन द वन वर्ड क्वेश्चंस. द क्वेश्चन नंबर टू इज क्वेश्चन नंबर फाइव. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर फाइव. फर्स्ट आई एम राइटिंग हियर ऑन द नंबर लाइन. ऑन द नंबर लाइन ध्यान से देखना आप. ऑन द नंबर लाइन माइनस थ्री इंटू प्लस थ्री. आपको जब माइनस थ्री को प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है आपका? माइनस नाइन आता है. थ्री थ्री जा नाइन और माइनस को यहां पर प्लस साइन है. माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आता है? माइनस ही आता है. ठीक है, तो अगर एक पॉजिटिव इंटीजर को एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका कौन सा इंटीजर आता है? माइनस. ओके, और माइनस थ्री इंटू माइनस प्लस थ्री लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ. अगर आप इसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हो, मैं इधर ड्रॉ करके दिखाती हूँ, तो जीरो माइनस वन माइनस टू. अगर आपको माइनस नाइन को यहां पर शो करना है तो वो किसके राइट हैंड साइड पे आया है? माइनस नाइन. वो उसके राइट हैंड साइड पर कौन सा नंबर आ रहा है? उसके राइट हैंड साइड पर जीरो नंबर आ रहा है. तो आपका राइट हैंड साइड का नंबर बताना है, क्योंकि आपको ऑप्शन दे रखे हैं. तो यहां पर किस तरह से करोगे? यहां पर ऑप्शन दे रखा है. पहले ऑप्शन देखो. पहला ऑप्शन दे रखा है माइनस टेन. देन इट इज गिवन माइनस सिक्स. देन इट इज गिवन हियर जीरो. और फिर आपको दे रखा है प्लस नाइन. ठीक है, तो आपको यहां पर इसके राइट हैंड साइड में शो करना है. तो माइनस नाइन लाइज ऑन द राइट हैंड साइड. माइनस है किसके राइट हैंड साइड में आ रहा है? तो माइनस नाइन का अगला नंबर क्या होगा? माइनस टेन. तो माइनस टेन का जो राइट हैंड साइड है वो माइनस नाइन है. तो ये कौन से नंबर के राइट हैंड साइड पर आ रहा है? माइनस टेन के राइट हैंड साइड पर, क्योंकि माइनस टेन बाद में आता है, फिर माइनस नाइन आता है. तो माइनस नाइन जो है वो माइनस टेन के राइट हैंड साइड पे है और माइनस टेन लेफ्ट हैंड साइड पर है. तो माइनस टेन जो है वो माइनस नाइन के लेफ्ट पर है और माइनस नाइन जो है वो माइनस टेन के राइट पर है. तो माइनस नाइन के जो राइट हैंड साइड, किसके राइट हैंड साइड पर ये आ रहा है? ये माइनस टेन के राइट हैंड साइड पर ये नंबर आ रहा है. तो आप ऑप्शन वन ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ सी द सिक्स्थ क्वेश्चन. I will note down this question also on the notebook. यहाँ पर ब्लैकबोर्ड पर मैं नोट कर रही हूँ. Your question number six is the value of 5 divided by. आपको 5 को किससे डिवाइड करना है? माइनस वन. आपको ऑप्शन दे रखा है कि 5 डिवाइडेड बाय माइनस वन डज नॉट लाई बिटवीन. ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन पहले समझने हैं तभी आप आंसर लिख पाओगे इन क्वेश्चंस का. आपको ऑप्शन दे रखा है. पहला ऑप्शन है 0 एंड माइनस टेन. क्या 0 और माइनस टेन के बीच में 5 को अगर आप 1 से डिवाइड करते हो माइनस 1 से, तो आपका आंसर क्या आता है? माइनस फाइव आता है ना. तो क्या 0 और माइनस टेन के बीच में आ जाएगा माइनस फाइव? सेकेंड ऑप्शन है प्लस 0 और प्लस 10. प्लस 0 एंड प्लस 10. और सी ऑप्शन दे रखा है आपको माइनस 3 एंड माइनस 10. क्या माइनस 3 और माइनस 10 के बीच में आ जाएगा? और डी ऑप्शन दे रखा है माइनस 7 एंड प्लस 7. तो इनके बीच में माइनस 7 जो है
वो किसके बुक, माइनस फाइव जो है, फाइव को डिवाइड किया माइनस वन से, तो माइनस फाइव जो है, द वैल्यू ऑफ फाइव एंड माइनस वन डज नॉट लाई, किसके बीच में लाई नहीं करेगी। देखो जीरो और माइनस टेन के बीच में तो माइनस फाइव आ जाएगा आपका, और माइनस थ्री और माइनस टेन के बीच में भी आपका माइनस फाइव आ जाएगा, क्योंकि बीच में बताने हैं ना, माइनस थ्री के बाद माइनस फोर फिर माइनस फाइव, ऐसे ही माइनस टेन आ जाएगा ना। ऐसे ही जीरो से माइनस टेन लेते हो तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव इसमें भी आ जाएगा, और माइनस सेवन से प्लस सेवन की तरफ अगर आपको चलना है, इसके बीच के नंबर देखने हैं, माइनस सेवन से प्लस सेवन तो माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो, फिर पॉजिटिव इंटीजर आते हैं। तो किस नंबर के बीच में माइनस फाइव नहीं आता, जीरो और प्लस टेन के बीच में माइनस फाइव नहीं आता, क्योंकि जीरो भी पॉजिटिव है टेन भी पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच के कौन से नंबर आएंगे, पॉजिटिव नंबर आएंगे, नेगेटिव तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, जीरो और टेन के बीच में माइनस फाइव डज नॉट लाई। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मल्टीप्लीकेशन, नहीं सॉरी, द नेक्स्ट नंबर पैटर्न, आपको नेक्स्ट नंबर पैटर्न का बताना है। द नेक्स्ट नंबर, अगर आपको पैटर्न देखना होता है तो क्या देखते हो आप, पहले ये चीज चेक करो, द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न, ये क्वेश्चन आपके रीजनिंग में भी इस तरह के आ सकते हैं। तो यू विल चेक माइनस 62 माइनस 37 माइनस 12 फिर डैश 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 इज, और ये कौन सा पैटर्न हुआ, पहले आप पैटर्न चेक करो। यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन दे रखा है, पहला 25, बी ऑप्शन दे रखा है 0, सी ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन इज गिवन 13 एंड डी ऑप्शन इज गिवन माइनस 13। तो कौन सा पैटर्न आपका करेक्ट होगा, पहले आप इन सब का डिफरेंस देख लो। देखो माइनस 37 मैं यहां पर कर रही हूँ क्योंकि वहां पर थोड़ा रिफ्लेक्शन है, माइनस 37 माइनस माइनस 62, मैं पहले इन दोनों का डिफरेंस लेकर देखती हूँ कि ये दोनों का डिफरेंस कितना है। तो माइनस 37 प्लस 62, 62 में से 37 सब्ट्रैक्ट करो तो डिफरेंस है 25, तो 25 का डिफरेंस है। ऐसे ही माइनस 12 और माइनस 37 का डिफरेंस देखो, माइनस 12 प्लस 37 अगर आप माइनस करते हो तो ये डिफरेंस भी आपका क्या आया, 25 आया। तो नेक्स्ट भी डिफरेंस कितना आना चाहिए आपका, 25 ही आना चाहिए। तो इसमें नेक्स्ट नंबर जो है वो आपका पैटर्न में क्या होगा, वो आपको चेक करना है कि नेक्स्ट नंबर जो है वो आपका क्या होगा यहाँ पर पैटर्न में। तो अगर मैं माइनस 12 के बाद, ध्यान से देखो, अगर मैं माइनस 12 के बाद माइनस 13 लिख देती हूँ, सॉरी प्लस 13 लिखती हूँ, और अब इन दोनों का डिफरेंस लेती हूँ क्योंकि डिफरेंस आपका सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 12, तो 25 दोनों का डिफरेंस आ जाता है ना। तो नेक्स्ट पैटर्न में नंबर आपका क्या फील करोगे आप, प्लस 13 यू हैव टू फील। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज इन एवरी टू कंसेक्यूटिव नंबर का जो डिफरेंस है दैट इज 25, और नेक्स्ट टू नंबर का भी डिफरेंस क्या है, 25। तो जो अगला नेक्स्ट नंबर होगा पैटर्न में वो भी आपका क्या होगा, डिफरेंस 25 ही होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 13 पुट कर देती हूँ तो आपका माइनस 12 सॉरी प्लस 13 और माइनस 12 दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका रहेगा आपका 25। ठीक है, तो आप नेक्स्ट नंबर कौन सा फिल करोगे, यहाँ पर प्लस 13 यू विल पुट हियर। सारे क्वेश्चन आपने विदाउट सॉल्व जो है आप आंसर नहीं लिख सकते हो, इसीलिए आपने बड़े ध्यान से चेक करके
पैटर्न को चेक करके तभी आपने आंसर को फिल करना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव और ऑल ऑफ दी। देखो जो इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है वो किस किस पर अप्लाई होती है, वो आपको देखना है क्या वो अप्लाई होती है क्लोजर प्रॉपर्टी पर। मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब अगर इंटीजर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या वो इंटीजर ही आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंटीजर मैंने 3 ले लिया और एक माइनस 1 ले लिया, जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 3 आया, तो ये क्लोज यहाँ पर लिख रही हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिया और एक मैंने नेगेटिव इंटीजर लिया, तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया इन इंटीजर्स को तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद जो मल्टीप्लीकेशन आया वो भी आपका किससे क्लोज हो रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी से, इंटीजर से ही क्लोज हो रहा है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो यहाँ पर अप्लाई हो रही है। सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का मतलब अगर आपने 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया या माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तब भी आपका माइनस 3 ही आएगा, तो इसका मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंडर क्लोज होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है एसोसिएटिव, क्या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्लोज्ड अंडर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे 3 इंटीजर ले लिए, एक ले लिया 3, एक ले लिया 2, एक ले लिया 1, और अगर आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर 3 से मल्टीप्लाई करो तब भी आपका मल्टीप्लिकेशन सेम ही आएगा। ये मैंने ए लिया, ये बी लिया, ये सी लिया और फिर बी को ए सी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बी से और बी को मल्टीप्लाई कर दिया ए से, तब भी आपका ये क्या आता है, सेम ही आता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले ए और बी को मल्टीप्लाई किया फिर सी से, ये ब्रैकेट में लिख देती हूँ, और यहाँ पर पहले ए को सेपरेट कर दिया और बाद में बी और सी से मल्टीप्लाई किया तब भी आंसर आपका सेम ही आएगा। सो मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी भी है, कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में दे रखा है कि क्या ये सारी प्रॉपर्टीज पर अप्लाई होता है, तो यस आप ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर डी क्वेश्चन में आप पुट करोगे। इन द क्वेश्चन नंबर 9th इट इज गिवन क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन इंटीजर 4। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या, कौन सी प्रॉपर्टी में मतलब कि होल्ड नहीं करती है। मल्टीप्लिकेशन में अभी मैंने बताया कि ये होल्ड करती है, डिवीजन में ये होल्ड नहीं करती, एडिशन में भी होल्ड कर लेगी और एडिशन और सब्सट्रैक्शन ये हम चेक करते हैं पहले कि किस किस में ये होल्ड नहीं करती है। देखो अगर मैंने फॉर एग्जांपल 1 को 3 से डिवाइड किया, ए मैंने 1 ले लिया और बी मैंने 3 ले लिया, तो डिवाइड करने पर ये क्या आया, 1/3 आया, लेकिन अगर 3 को 1 से डिवाइड किया तो ये क्या आया, 3 आया, तो क्या इंटीजर जो हैं वो क्लोज्ड अंडर डिवीजन होते हैं, होल्ड करते हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे नो, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन द इंटीजर फॉर डिवीजन, ठीक है, ये डिवीजन को होल्ड नहीं करते इंटीजर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन -20 and -10। -20 और -10 के बीच के इंटीजर्स कौन से होते हैं, देखो कितने होते हैं, एक तो -19, एक -18, फिर -17, फिर -16, फिर -15। ये मैं सारे इंटीजर आपको लिख के दिखा रही हूँ, आपको कहाँ तक लिखने हैं, -20 और -10 के बीच के, तो -10 नहीं लिखना, -20 और -10 के बीच के इंटीजर लिखने हैं, तो बीच के इंटीजर कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो टोटल कितने इंटीजर लाई करते हैं -20 और -10 के बीच में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 10th क्वेश्चन का, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो 8 दे रखा है, एक 9, एक 10 और एक 11,
तो 9 ऑप्शन जो है टोटल काउंट करके बतानी है कि कितने इंटीजर लाई करते हैं -20 और -10 के बीच में, तो आंसर आपका क्या आएगा 9। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सम ऑफ टू इंटीजर इज -10। ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ टू इंटीजर इज -10 एंड वन ऑफ देम उनमें से एक इंटीजर जो है वो आप 2 दे रखा है, फाइंड द अदर इंटीजर, आपको दूसरा इंटीजर फाइंड करना है, फाइंड द अदर। तो मैंने आपको बताया था कि आप लेट कर लेना अगर आपको दूसरा इंटीजर गिवन नहीं है तो लेट अदर इंटीजर बी एक्स, लेट अदर इंटीजर बी एक्स, ठीक है। तो एक इंटीजर आपको कितना दे रखा है, एक इंटीजर तो आपको 2 दे रखा है और दूसरा मैंने लेट कर लिया एक्स, और उन दोनों का जो सम है is equal to -10। सम का मतलब होता है एक इंटीजर लिया x, तो दोनों का जो सम है that is equal to -10। तो you have to find the value of x। I already discussed with you when you are transposing one thing to the right hand side or left hand side the sign are change। तो अगर आप 2 को इधर लेकर शिफ्ट हो गए तो साइन क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा, प्लस साइन गिवन है तो चेंज होके क्या हो जाएगा माइनस। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा -12। तो आपका जो सम है अदर नंबर जो है, आपको अदर नंबर फाइंड करना था, तो आंसर क्या आएगा -12। यू कैन चेक ऑल्सो दीज आंसर, ओके। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका -12 दे रखा है, ओके। नाउ 12th क्वेश्चन है, द इंटीजर दैट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम -5 टू ऑब्टेन -12। इसी तरह का क्वेश्चन है, अब ऐड नहीं दे रखा, अब आपको दे रखा है सीधा क्वेश्चन नंबर 12। फर्स्ट आई एम राइट डाउन द स्टेटमेंट, द इंटीजर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, द इंटीजर दैट मस्ट बी, दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5 to obtain 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, आपको -5 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आपका जो आंसर आना चाहिए, जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिमाइंडर आना चाहिए, वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपका जो होल थिंग बचनी चाहिए वो आपकी 12 बचना चाहिए आपका। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी सब्ट्रैक्ट, आपको वो जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है उसे मैंने एक्स लेट कर लिया, तो मान लो -5 में से अगर मैं एक्स सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो रिजल्ट क्या आता है आपका 12 आता है, ठीक है। तो वो नंबर मुझे फाइंड करके दिखाना है, तो कैसे नंबर फाइंड करेंगे, माइनस एक्स को जब हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन चेंज इनटू द प्लस साइन, और प्लस 12 जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो -12 हो जाएगा। तो कौन सा नंबर है जो हम -5 में से सब्ट्रैक्ट करें -17, तो आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा +12 आ जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर आएगा, हियर यू हैव गिवन द 4th ऑप्शन, द फर्स्ट वन इज 7, द सेकेंड वन इज -7,
सी ऑप्शन इज 17 एंड द लास्ट ऑप्शन इज उसका ए ऑप्शन जो है वो है -17. सो यू विल नोट डाउन दिस आंसर. यहाँ पर ये आंसर जो है वो 7 दे रखा है, बट आंसर आपका देखो माइनस एक्स को आपने राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज किया तो आपका क्या आएगा प्लस एक्स, और 12 को अगर आप इधर लेकर आएंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा -12. तो आपको अगर -17 अगर आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हो तो यू विल ऑब्टेन द रिजल्ट +12. तो यहाँ पर आंसर पीछे जो है आपका रॉन्ग दे रखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है -17 दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके, क्योंकि आपको -5 से सब्ट्रैक्ट करना था. अगर यहाँ -12 दिया होता ना, क्या दे रखा है सॉरी साइन आपका -12 दे रखा है, तो अगर -12 दिया होता तो फिर आ जाता आपका आंसर. अगर -12 है तो -12 को ट्रांसपोज करोगे तो +12 आ जाएगा, तब 12 में से 5 चला गया, तब आपका आंसर +7 ही आएगा. ठीक है, तब आपका ऑप्शन ए ही आएगा. लेकिन अगर प्लस दिया होता तब आपका आंसर -17 आता. ओके, तो क्वेश्चन में -12 भी दे रखा था, मैंने रॉन्गली वहां पर लिख दिया था +12. तो अगर आपको रिजल्ट +12 लाना है तो तब तो आपको -17 आंसर आएगा, क्योंकि रकमें चेंज भी हो सकती हैं. और अगर आपका -12 आ गया यहाँ पर तो -12 लाने के लिए, क्योंकि -12 को इधर ट्रांसपोज किया तो +12, अब आपका ये 12 प्लस का है और 5 माइनस का है, तो डिजिट क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आंसर क्या आएगा +7, तब आपका ऑप्शन करेक्ट है बुक में. ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडिटिव इनवर्स. और मैंने आपको एडिटिव इनवर्स के बारे में आपको बताया था, तो इनमें से कौन सा एडिटिव इनवर्स नहीं है. एक तो आपको दे रखा है ऑप्शन माइनस फिर माइनस ए, और बी दे रखा है आपको माइनस ए, और सी दे रखा है आपको ए डिवाइडेड बाय -1, और लास्ट आपको दे रखा है डी ऑप्शन इज गिवन ए इंटू -1. तो इनमें से कौन सा एडिटिव इनवर्स ए का नहीं है. तो ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए होना चाहिए, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है ना, प्लस चेंज इंटू द माइनस एंड माइनस चेंज इंटू द प्लस. एडिटिव इनवर्स में सिर्फ साइन चेंज होते हैं, नंबर सेम रहता है. तो यहाँ पर आपका ए का एडिटिव इनवर्स जो है वो क्या आना चाहिए -a. तो कौन सा नहीं है, अब कौन सा नहीं है, ये भी आपका क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ए आ जाएगा, और ये एक ए को -1 से डिवाइड किया ये आपका माइनस ए ही आ रहा है, और ए को -1 से मल्टीप्लाई किया ये भी आपका माइनस ए ही आ रहा है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है. तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस ए आ रहा है. तो ए का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो माइनस ए होता है. ठीक है, तो यहाँ पर माइनस ए किससे आ रहा है, एक तो सी से आ रहा है, एक बी से आ रहा है और एक बी से आ रहा है. तो ऑप्शन ए में आपका प्लस ए आ रहा है, सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट. ओके, सारे ऑप्शन चेक करने हैं कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा नहीं है. ओके, नाउ सी द 14th क्वेश्चन. इन द 14th क्वेश्चन इट इज गिवन 0 / -10. जब आप 0 को -10 से डिवाइड करते हो तो वो किसके इक्वल आएगा. देखो अगर आप 0 को -10 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पर 0 ही आना चाहिए आपका. क्या आना चाहिए आपका, 0 ही आना चाहिए ना. तो यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा है क्या वो 0 आएगा, बी दे रखा है क्या वो -1 आएगा, नो, और सी है -10 आएगा, इट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, और डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं. तो आपका कौन सा आंसर आना चाहिए. 0 को जब -10 से डिवाइड करते हो
तो आपका आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका 14th क्वेश्चन का, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यू हैव टू नोट डाउन दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक ऑल्सो। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, -33 × 102। ध्यान से देखना, -33 × 102। और नेक्स्ट है, एक मिनट, -33 × 102 और प्लस का साइन है -33 और देन दे रखा है माइनस।